स्वागत है आपका डेली नौकरी के यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए यूजीसी एनटीए नेट एग्जाम 2020 की जो नोटिफिकेशन आई है उसका अपडेट लेकर आ चुकी हूँ। दोस्तों बहुत बढ़िया मौका जो है वो सामने आ चुका है, जो एनटीए एग्जाम जून में होने जा रहा है उसकी जो है नोटिफिकेशन आ चुकी है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सभी सरकारी नौकरियों की अपडेट्स, सरकारी रिजल्ट्स, एडमिट कार्ड की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट dailynaukri.com को भी जरूर चेक करें। तो चलिए अब डिटेल में बात करते हैं इस एग्जाम के बारे में। देखिए, ये जो यूजीसी नेट एग्जाम है, इट इज अ टेस्ट टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ इंडियन नेशनल्स फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। अब हम बात करेंगे व्हाट इज एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। यदि आप भी इस यूजीसी नेट एग्जाम देना चाहते हैं तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट जो है वो डिमांड की गई है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इधर एज लिमिट पे बात करती हूँ। देखिए, जो लोग जीआरएफ के एग्जाम में भाग लेना चाहते हैं उनकी उम्र जो है वो नॉट मोर देन 30 इयर्स एज ऑन 1 जून 2020। और फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर देयर इज नो अपर एज लिमिट। बट ध्यान दीजिए, कुछ कैटेगरीज हैं जैसे ओबीसी कैटेगरी और भी कुछ कैटेगरीज हैं जिनको एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। देखिए, अगर आप इस एग्जाम में भाग लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आपने एटलीस्ट 55% मार्क्स जो आपके मास्टर डिग्री में हो या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में फ्रॉम यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं फी डिटेल्स एंड इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर कि कितना जो है आपको आवेदन शुल्क भरने, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगे, किस दिन आपका एग्जाम होगा। ये सारे डेट्स जो है मैंने आपके लिए कलेक्ट कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की डेट्स हैं वो 16th मार्च से 16th अप्रैल 2020 है। और अगर हम लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम देखें तो वो 17th अप्रैल 2020 अप टू 11:50 PM। और इधर मैंने फी दे रखी है, जैसे जर्नल और अनरिजर्व के लिए 1000 रुपीज, जर्नल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए 500, और इधर एससी एसटी कुछ कैटेगरीज हैं उनके लिए 250 रुपीज जो है एप्लीकेशन फी है। अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो जो उसकी डेट्स रहेंगी वो 18th अप्रैल से 24th अप्रैल। और देखिए दोस्तों, जो आप 15 मई 2020 से अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन की। जो एग्जामिनेशन की डेट्स रहेंगी वो 15 जून 2020 से 20 जून 2020 तक है। और अगर हम ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम देखें तो 180 मिनट्स का होने वाला है। इधर आपके दो पेपर होंगे, पेपर वन एंड पेपर टू, बट देयर इज नो ब्रेक बिटवीन पेपर वन एंड टू। अगर टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन देखें तो यहां पर 2 शिफ्ट्स दे रखी है, जैसे सुबह 9:30 और दोपहर को 2:30 बजे। और देखिए, सेंटर डेट एंड शिफ्ट फॉर कैंडिडेट्स विल बी गिवन ऑन एडमिट कार्ड। और अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं तो जो आपका रिजल्ट है वो 5th जुलाई 2020 से आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की कि कैसा आपका एग्जाम होने वाला है। पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊंगी यहाँ पे पैटर्न। देखिए, इधर आपके दो पेपर होंगे, ये जो यूजीसी नेट एग्जाम 2020 जून में होने जा रहा है। पेपर वन जो होगा वो 100 मार्क्स का और उसमें 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और पेपर टू इज ऑफ 200 मार्क्स और उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। और अगर हम देखें कि पेपर वन का क्या स्टाइल रहने वाला है, तो क्वेश्चन इन पेपर वन इंटेंड्स टू एसेस द टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट। और जो पेपर टू रहेगा, जो आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे उसके ऊपर बेस्ड रहेगा, एंड इट विल असेस डोमेन नॉलेज। और अगर टोटल ड्यूरेशन देखें दोस्तों, तो 3 आवर्स जो है विदाउट एनी ब्रेक जो है दोनों पेपर रहने वाले हैं। बट ध्यान दीजिए, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्केड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। यहां मैंने पूरा स्केड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन आपके लिए डेटा कलेक्ट किया है। जैसे टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, फर्स्ट शिफ्ट जो चलेगी वो 9:30 से 12:30 बजे तक, सेकेंड शिफ्ट 2:30 से 5:30 बजे तक। और अगर टोटल ड्यूरेशन देखें तो वो 3 आवर्स है। एंट्री इन टू द एग्जामिनेशन सेंटर, अगर आपका सुबह 9:30 बजे पेपर है तो आपको 7:30 से 8:30 के बीच बीच जो है वो अपनी एंट्री करवा लेनी है। और जिनका पेपर 2:30 बजे है उन्हें 12:30 से 1:30 बजे तक। तो इधर आप और भी इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स देख सकते हैं और उसके अनुसार आपको फॉलो करना जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिलेबस की। दोस्तों, इसका सिलेबस जो है सब्जेक्ट वाइज है। जैसे अगर आप पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है, या आप हिस्ट्री है, कॉमर्स बैकग्राउंड है, या आप म्यूजिक में इस पेपर को देना चाहते हैं तो आपका सिलेबस उसके अकॉर्डिंग रहेगा। अगर आप डिटेल में सिलेबस देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है सिलेबस पे, आप उस पर क्लिक करके पूरा डिटेल में आपको सिलेबस मिल जाएगा। बट अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट कर रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही सब्सक्राइब कर लोगे आपको तुरंत सरकारी नौकरी के अपडेट्स जो है वो मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, अब मैं बहुत आपको इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ कि हाउ टू रजिस्टर फॉर एनटीए नेट एग्जाम जून 2020। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए जो स्टेप्स इधर दे रखे, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, पे एग्जामिनेशन फी। इधर आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और
अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं इस एग्जाम के लिए तो आपको करना क्या है, इधर एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन और साइन इन करना है। देखिए जैसे आप साइन इन कर लेते हो उसके बाद आपको जो है रजिस्ट्रेशन पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा और इसमें फोर स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन, सेकंड एप्लीकेशन फॉर्म, थर्ड इज इमेज अपलोड एंड फोर्थ इज फी पेमेंट। अगर हम रजिस्ट्रेशन में देखते हैं, सबसे पहले इधर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कैंडिडेट्स नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, इधर आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आ जाएंगी, एड्रेस वगैरह आपका सब, मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद आपको पासवर्ड सिलेक्ट करना है और एक सिक्योरिटी पिन फिल करके सबमिट करना है। देखिए इसके बाद आपको रिव्यू करना है रजिस्ट्रेशन पेज और फाइनल सबमिट करना है। और जब आप फाइनल सबमिट करते हो तो आपसे एक कंफर्मेशन मांगेगा, डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनली, फिर आपको यस करके जो है कंफर्म करना है। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद जब आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद दोस्तों आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे आना है। आपके सामने जब एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा यहाँ पे आपको स्टेटस नजर आ रहा है जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, बट स्टिल थ्री स्टेप्स आर इनकम्प्लीट, एप्लीकेशन फॉर्म, इमेज अपलोड एंड एप्लीकेशन फी पेमेंट। या आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा बट उससे पहले आप यहाँ एप्लीकेशन नंबर देख सकते हैं और फिर आपको पर्सनल डिटेल्स इधर पूरी फिल करनी है। इधर दे रखा है जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनैलिटी, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इफ एनी, तो ये सारी आपको फिल करनी है। और जब अपन को फिल कर लेते उसके बाद आपसे इधर ऑप्शन मांगेगा, यू आर अप्लाइंग फॉर JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर नेट, ये सब आपको फर्स्ट चॉइस फॉर एग्जाम सिटी, आपको इधर फोर चॉइस भरनी है एग्जाम सिटी के लिए। जब आप ये सब डिटेल्स फिल कर देते हो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप आएगा एजुकेशनल डिटेल्स का, आपको इधर फिल करना है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन अगर कर रखी है तो कौन से स्टेटस आपका क्या है, आप पास हो पोस्ट ग्रेजुएशन में या नहीं, कोर्स और स्ट्रीम कौन सा, ये सारी फील्ड्स जब आप फिल कर देते हो उसके साथ नेक्स्ट आपसे पीजी एंड डॉक्टरेट डिग्री की डिटेल्स मांगेंगे और फिर आपको सबमिट करना है। देखिए दोस्तों उसके बाद आपको एक रिव्यू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म पूछा जाएगा, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली। और जब आप रिव्यू कर लेते हैं तो अब अगर आप ओके कर देते हैं तो उसके बाद जो है फाइनल सबमिशन के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो जाएगी और एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप आएगा इमेज अपलोड का, आपको इधर अपनी इमेज अपलोड करनी है, बट जब इमेज अपलोड करनी है तो आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। देखिए ये जो फोटोग्राफ का साइज होना चाहिए 10KB से 200KB तक होना चाहिए और जो सिग्नेचर है उसका साइज जो है वो 4KB से 30KB होना चाहिए। और देखिए जो आपका इमेज जो स्कैन फाइल्स है उनका फॉर्मेट जो है वो JPG होना चाहिए। तो इधर आपको अपने फोटोग्राफ अपलोड करने और इधर सिग्नेचर, और जब आप कर देते हो उसके बाद अपलोड बटन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको कंफर्मेशन ऑफ अपलोडेड इमेज, डू यू विश टू अपलोड इमेजेस फाइनली, आपको यस सिलेक्ट करना है अगर आपका सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तभी। आगे बढ़ते हैं और जो फाइनल स्टेज है दैट इज पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी, इधर आपको एग्जामिनेशन फी पे करनी है, आपको इधर मोड सिलेक्ट करना है कि आप कैसे पे करना चाहते हैं, ऑनलाइन पेमेंट से प्रोसीड टू पेमेंट करते हैं, तो आपकी जो है फिर फी पे हो जाएगी। और दोस्तों जो उसके बाद आएगा सैंपल कॉपी ऑफ कंफर्मेशन पेज, इस तरह का आपके पास जो है कंफर्मेशन पेज खुल जाएगा। तो इस तरह से आप अपने आप को रजिस्टर करके एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो है UGC NTA NET एग्जाम जून 2020 की पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आप और जानकारी चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक दे रखा है dailynaukri.com का, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए, उस लिंक पे जाके आपको पूरी लिस्ट जो है UGC NET सब्जेक्ट्स फॉर जून 2020 साथ साथ उनके कोड्स और जो लिस्ट ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरीज और उनके कोड्स भी जो है उधर मिल जाएंगे और भी आप काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन उधर से कलेक्ट कर सकते हो और साथ ही उधर से ऑनलाइन रजिस्टर बटन भी आपको मिल जाएगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि हम आपके लिए टॉप गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं।